अगर बच्चे को हम कपड़ा देंगे, उतरन देंगे, वो फट जाएगी, खाना देंगे फिर भूख लग जाएगी। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे बच्चा कपड़ा भी खरीद सकता है और सोसाइटी में बड़े अच्छे से, बड़े सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत। जम्मू की 61 वर्षीय रिटायर्ड लेक्चरर कंचन शर्मा ने नौकरी तो छोड़ दी लेकिन पढ़ाना नहीं छोड़ा। पिछले 13 सालों से वह जम्मू के मराठा बस्ती में रहने वाले बच्चों को पढ़ाती हैं और ये बच्चे उन्हें सुपर टीचर के नाम से जानते हैं। दरअसल कंचन अक्सर इन बच्चों को सड़क किनारे बैठकर पत्ते खेलते या फिर तंबाकू खाते देखती थी। वह हमेशा से चाहती थी कि इन बच्चों को इस माहौल से निकालकर शिक्षा दी जाए, सही माहौल दिया जाए। बच्चे हाथ फैला के आगे, गाड़ी के आगे आके भीख मांग रहे थे। एकदम मुझे स्ट्राइक हुआ कि बीइंग अ टीचर मुझे इनको भिक्षा नहीं देनी चाहिए, इनको मुझे इसकी जगह शिक्षा देनी चाहिए, यही मेरे लिए। कंचन ने घर घर जाकर इन बच्चों के माता पिता से बात की और साल 2009 में संघर्ष विद्या केंद्र नाम से खुली जगह में एक स्कूल की शुरुआत की। तब से लेकर आज तक वह हर हफ्ते इन बच्चों को 2 घंटे पढ़ाती है। इनके पेरेंट्स को जैसे मैं फर्स्ट टाइम आई थी, मुझे लगता था कि शायद इन्होंने दुनिया देखी ही नहीं है। इनको जब मैंने पढ़ाने के लिए बोला तो ये कहते कि बड़ी बड़ी कोठियों के ही बच्चे पढ़ते हैं। इनको मोटिवेट करने में मुझे कम से कम 5-6 साल लगे। बीते 13 सालों से कंचन इस स्कूल को चला रही है। आज उनके स्कूल में लगभग 100 बच्चे पढ़ने आते हैं जिन्हें पढ़ाने के लिए यहाँ 5 टीचर्स हैं। बच्चों के स्टेशनरी और यूनिफॉर्म से लेकर टीचर्स की सैलरी तक सारा खर्च कंचन खुद उठाती है। यह सुपर टीचर समाज के उस वर्ग को आगे लाने की कोशिश कर रही हैं, जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वे भी दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं। हमें कंचन जैसे लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए।